हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। फिर से हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आज हम डिस्कस करेंगे बाय टाइम। टाइम के बेसिस पे कॉस्ट को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया। तो दो तरीके से क्लासिफाई किया, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में टाइम के आने से पहले ही आपने कॉस्ट डिसाइड कर दिया, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। सॉरी, हिस्टोरिकल कॉस्ट में जो पास्ट कॉस्ट है, जैसे आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया, उसकी कॉस्ट क्या हो गई, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट हो चुकी है। तो द कॉस्ट विच आर अनसर्टेन आफ्टर बीइंग इनकर्ड आर कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो खर्चा होने के बाद आपको मालूम चले कि कितनी हुई, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। सच कॉस्ट आर अवेलेबल ओनली व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स हैज ऑलरेडी बीन डन। सच कॉस्ट आर ओनली ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू एंड नॉट एट ऑल हेल्पफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पस। बिकॉज ये खर्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, आप इसमें आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जैसे सपोज आप, फॉर एग्जाम्पल, आप एक मूवी टिकट गए, आपने परचेज कर लिया। अब आप मूवी टिकट आपने जब ऑलरेडी परचेज कर लिया, तब उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो खर्चा हो चुका। हाँ, फ्यूचर में जब आप मूवी टिकट परचेज करने जाओगे तो आप कॉस्ट कम कर सकते हो, बिकॉज फिर आप एनालिसिस करो कि आप कौन से मूवी कौन से थिएटर में जाओ कि आपकी कॉस्ट कम लगे। लेकिन जिसका टिकट आपने ऑलरेडी बाय कर लिया, वहाँ पे आप कम नहीं कर सकते। दीज आर बेस्ड ऑन रिकॉर्ड फैक्ट, they can be verified because they are always supported by evidence of their occurrence। because जब आपने movie ticket purchase किया तो आपके पास ticket तो है, आपने plant and machinery purchase किया तो आपके पास invoices होंगे उसके, ठीक है। they are mostly objective because they are related to happening which already take place। अब predetermined cost क्या होता है? such cost are estimated cost that is computed in advance of production taking into consideration। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप क्या करते हो, प्री डिटरमाइन करते हो कि यार यहाँ अगर मैं घूमने जाऊँगा तो मुझे इतनी कॉस्ट एटलीस्ट तो आएगी आएगी। तो आप क्या किया, आपने कॉस्ट को प्री डिटरमाइन कैलकुलेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट। ही तो आप करोगे कि आप यहाँ से, आप दिल्ली से, सपोज आप दिल्ली से जा रहे हो शिमला जाना, तो फिर दिल्ली से पहले आप स्टेशन जाओगे, उसकी कॉस्ट ऐड करोगे, फिर वहाँ से टिकट की कॉस्ट ऐड करोगे, शिमला में रहने की कॉस्ट को ऐड करोगे, फिर सारे खर्चे को आप ऐड करके आप निकालोगे कि क्या कॉस्ट आ रही है। That is called predetermined cost, computed in advance of production। Same like company भी ऐसे करती है, जब कोई कोई finished good, कोई product बनाने जा रही होती है तो इस production को करने से पहले cost उसकी identify करती है। Because आपको पता है market में perfect competition है, अगर आपके product की cost ज़्यादा हो गई तो आपकी selling price भी ज़्यादा हो जाएगी, और selling price ज़्यादा हुई तो आपके product market में नहीं बिकेगी। तो company को क्या मिलता है, एक target होता है हमारे पास कि हमें ये product ना 10 रुपये में ही manufacture करना है। 10 रुपये क्या हो गया, आपकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। अब इसी के अंदर आपका मेटेरियल, लेबर, ऑपरेटर, सारे खर्चे 10 रुपये के अंदर आने चाहिए। तो सब कुछ आप इसी अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे, एडवांस ऑफ प्रोडक्शन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रीवियस पीरियड कॉस्ट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग सच कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट डिटरमाइंड ऑन साइंटिफिक बेसिस बिकम्स स्टैंडर्ड कॉस्ट। सच कॉस्ट व्हेन कंपेयर्ड विद एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने आपको बताया, अब सपोज स्टैंडर्ड कॉस्ट होता क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन द पास्ट डाटा हमें कॉस्ट को डिसाइड करते हैं कि आपको इतने प्राइस में प्रोडक्ट बनाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप सपोज आप लक्ष्मी नगर में रहते हो और लक्ष्मी नगर से आपको सीपी जाना है, तो एक एवरेज टाइम कितना लगता है, मान के चलो 30 से 40 मिनट। आप एक बार गए 30 मिनट लगा, दोबारा गए आपको 32, तीसरे बार गए 40 मिनट लग गया। तो फिर आप क्या करोगे, 10 बार आप जाओगे, 10 बार आओगे, फिर आपने एक एवरेज टाइम कैलकुलेट कर लिया कि भाई आपको कम से कम 30 मिनट्स तो आपको लगेंगे लक्ष्मी नगर से सीपी जाने का। तो सेम लाइक दैट कंपनी भी क्या करती है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करती है प्रोडक्ट के लिए, स्टैंडर्ड टाइम भी डिसाइड करती है, लेबर को भी देती है कि भाई तेरे को ये प्रोडक्ट 1 घंटे में बनाना है, उसके पास डाटा पे टाइम एंड मोशन स्टडी करके। सेम लाइक दिस मटेरियल के लिए भी होता है कि एटलीस्ट 1 kg में तो आपको इतना आउटपुट बनाना है, वो स्टैंडर्ड फिक्स करती है बेस्ड ऑन द पास डाटा। सच कॉस्ट विद कम्पेयर विद, फिर हम उसको एक्चुअल से कंपेरिजन करते हैं, फिर हम वेरियंस निकालते हैं, एंड देन अगर वेरियंस एडवर्स आता है, मान लो अगर आपको 10 मिनट में बनाना था, आपने 20 मिनट में बनाया, तो ये 10 मिनट आपने एक्स्ट्रा लिया, उसकी चीज़ें रीजन फाइंड आउट किया जाएगा, भाई आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लिया। अगर वैलिड रीजन है तो ठीक है, नहीं है तो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो सकता है या फिर आपकी बोनस में से डिडक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से भी कंपनी करती है। Variance and will help to management to shift the responsibility and to take remedial action to avoid its recurrence in future।
हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट दे आर वर्क टुगेदर इन अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कम्पिटेटिव एज इट इज बेटर टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स सो दैट आफ्टर कंपेरिजन विद द एक्चुअल मैनेजमेंट में एबल टू टेक स्टॉक ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ फाइंड आउट एज टू हाउ फार द स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड बाय इट हैव बीन अचीव्ड एंड टेक सुटेबल एक्शंस इन द लाइट ऑफ सच इंफॉर्मेशन देयरफॉर even in a system when historical costs are used predetermined costs have a very important role to play because if figure of historical cost by itself has no meaningful unless it is related to some other standard figures to give meaningful information to the management matlab management kyun karte hai predetermined cost kyunki management ke paas ek standard ho gaya ki standard raw material ki cost itni chahiye labor ki cost itni chahiye overhead ki cost itni aani chahiye अब जब एक्चुअल में होगा तो फिर स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेरिजन करके वेरिएंस निकालेंगे फिर वेरिएंस के पीछे के रीजंस को फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या रीजंस के वजह से हुआ तो फ्यूचर में उस चीजों को ना होने दे समझ रहे हो और फ्यूचर में ना होगा तो क्या होगा कॉस्ट कम हो जाएगा उनका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल प्लानिंग एंड कंट्रोल आर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग फर्निसेस इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट which is helpful in the due discharge of these two functions. According to this cost can be classified as budgeted cost and standard cost. Ab dekho budgeted cost kya hota hai? Budgeted cost represent an estimate of expenditure for different phases of business operations such as manufacturing, administration, sales, research, development, etc. coordinated in a well-convened framework for a period of time. In future, this subsequently becomes the written expression of managerial target to achieve. Various budget are planned for various phase, such as raw material cost budget, labor cost budget, cost of production budget, manufacturing overhead budget, office and administrative overhead budget. Continue comparison of actual performance with the budgeted cost is made so in report the variations from the budgeted cost management corrective actions. अब देखो बजटेड कॉस्ट होता क्या सपोज आपने डिसाइड किया कि आपको 10,000 यूनिट की सेल करनी है अब 10,000 यूनिट आपको सेल करना है तो आप प्रोडक्शन भी इसी के अकॉर्डिंग करोगे प्रोडक्शन जितना करोगे उसी अकॉर्डिंग तो आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे अब आप जानते हो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ घर की बात अब घर में क्या होता है सपोज आज मुझे मेरे यहाँ 10 लोग आए तो 10 लोग आए हैं तो 10 लोग क्या हो गए सपोज मेरे वो 10 मेरे कस्टमर्स हो गए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा मतलब हमें रोटियां कितनी बनानी पड़ेगी अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार मुझे 10 लोग हैं एटलीस्ट 5 रोटीज पर पर्सन के हिसाब से 50 रोटीज मुझे बनानी पड़ेगी 50 ब्रेड्स मुझे बनानी पड़ेगी अब 50 ब्रेड्स बनाने के लिए आपको आटा कितना चाहिए अब आप वो डिसाइड करोगे फिर उसके अकॉर्डिंग आप आटा गूंदोगे देन ये सारी चीज़ें क्या है बजट के पार्ट है ठीक है मैंने आपको इसलिए घर का एग्जांपल दिया कि आपको चीज़ें बहुत जल्द समझ में आ गई होगी अब उसमें क्या हो सकता है वेरिएशंस आ सकते हैं हो सकता है कि मालूम चले कि आपने 5 रोटीज पर पर्सन के हिसाब से तो बनाया लेकिन सामने वाले ने एक कम खाया या किसी को एक ज़्यादा की भूख रह गई तो इस तरीके से करके वो वेरिएंसेस जाएगी आपके ठीक है तो सब कुछ आप पढ़ोगे जब आप इंटर में बजटिंग पढ़ोगे एंड फाइनल में पढ़ोगे तो आपको सब कुछ इन डिटेल्स पढ़ना है अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट तो मैंने कितनी बार आपको बता चुका हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम करते क्या है हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसमें देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट में 3 कंपोनेंट आते हैं मैं आपको बता देता हूँ एक तो होता है हमारा सेल्स सेल्स कैसे आता है सेल्स इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर आप इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ठीक तो जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे तो यहाँ पे कॉस्ट को आप 3 पार्ट में आपने बांट रखा है एक तो आपका डायरेक्ट आपका मटेरियल हो गया एक आपका लेबर हो गया और एक आपका ओवरहेड हो गया अब मटेरियल में भी इसमें 2 वेरिएंस आ सकता है या तो मटेरियल के प्राइस में आपने चेंज कर दिया 10 रुपये का मटेरियल आपने 12 में परचेज कर लिया या फिर आपने क्वान्टिटी में चेंज कर दिया आपको 1 kg लेना था आपने 2 kg ले लिया सेम लाइक लेबर में भी हो सकता है लेबर में भी ऐसा हो सकता है ना आपको 1 घंटे के हिसाब से आपने 2 घंटे लगा दिया या फिर जहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से पे करना था लेबर को पर आवर का आपने 12 रुपये के हिसाब से पे कर दिया ओवरहेड में क्या हो सकता है
ऑपरेट में एक फिक्स ऑपरेट होता है, एक वेरिएबल ऑपरेट होता है। तो फिक्स ऑपरेट में क्या हो सकता है, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको 4 दिन में काम कंप्लीट करना था, आपने 5 दिन में काम कंप्लीट किया, तो आपका रेंट का खर्च तो बढ़ गया, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे डायरेक्ट खर्च है आपके बढ़ेंगे। तो इस तरीके से करके हम स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल के साथ कंपेरिजन करते हैं एंड वेरियंस एनालिसिस करते हैं, वो सारा कुछ आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ोगे। डिफरेंस बिटवीन बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट आर सिमिलर टू ईच अदर टू द एक्सटेंट दैट बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट एस्टिमेट्स फॉर कॉस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इन स्पिरिट ऑफ दिस दे डिफर इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर स्पेसिफिकली प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, वेयर बजटेड कॉस्ट आर मेयर एस्टिमेट मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्चुअल फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा एडजस्टेड फॉर फ्यूचर ट्रेंड्स। देखो बजटेड में हम क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रेंड को भी एडजस्ट करते हैं। आप इंटर में जब आप पाओगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, बिकॉज होता क्या है, बजट हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। आपको 10,000 क्वांटिटी फ्यूचर में सेल करना है, आप बजट 5 साल के लिए बना सकते हो, आप बजट 1 साल के लिए बना सकते हो, 6 मंथ के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो ये होता है द बजटेड कॉस्ट, इसलिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डाटा को आपको यूज करना पड़ता है कि आपके लास्ट ईयर में सेल कितने थे, उससे लास्ट ईयर में सेल कितने थे। तो फिर आप ट्रेंड निकालते हो कि पर ईयर आपका सेल कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, उस अकॉर्डिंग अगले 5 साल में आपका सेल कितना इंक्रीज कर सकता है, वो सारी चीजें ट्रेंड के बेसिस पे चलती है। तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करना पड़ता है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम कॉस्ट अकाउंट को यूज करते हैं। द प्राइमरी इम्पेसिस ऑफ बजटेड कॉस्ट इज ऑन द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वेयर मेन थ्रस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंट्रोल, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्ट आर इम्पेसिस व्हाट शुड बी द कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कंट्रोल का एक टेक्निक है, जबकि बजट क्या करता है, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक प्लानिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का जो उसके टारगेट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। कॉस्टिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बजटेड कॉस्ट आर एक्सटेंसिव, वेयर एज स्टैंडर्ड कॉस्ट आर इंटेंसिव। देखो इंटेंसिव का मतलब इंटरनल हो गया, बजटेड एक्सटर्नल हो गया एक तरीके से। बजटेड कॉस्ट रिप्रेजेंटेड माक्रो, माक्रो मतलब बॉर्डर लेवल पे, और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, नैरो लेवल पे होता है, माइक्रो लेवल पे होता है, बिकॉज दे आर एस्टिमेट इन रिप्रेजेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट। कॉन्ट्री टू दिस स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कॉन्सर्नड विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कैरिड इन ए डिपार्टमेंट, ठीक है। तो बजटेड कॉस्ट डील्स विद एग्रीगेट, वेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट डील्स विद इंडिविजुअल पार्ट व्हिच मेक्स द एग्रीगेट। फॉर एग्जांपल बजटेड कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस दैट इज प्रोडक्शन सेल्स परचेज ईटीसी, वेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कंपाइल्ड फॉर वेरियस एलिमेंट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।